नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग अनलिमिटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप सबका प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, सभी सब्सक्राइबर्स का, सभी व्यूअर्स का थैंक यू सो मच जो देख रहे हैं। आज का वीलॉग 10 हम ब्रैम्पटन से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर आए हैं, विटबी सिटी में, ओंटारियो में ही है। और यहाँ मेरी दीदी ने घर लिया है जो डाउनटाउन टोरंटो से शिफ्ट होके यहाँ पे मूव हुए हैं। तो उनका घर देखते हैं कि कैसा है, कितना बड़ा है, कितने में लिया है, क्या उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं और क्या क्या आपको चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए घर बाय करने से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीलॉग को, हियर वी गो। तो मम्मी और मैं आए हैं, हम भी पहली बार ही आए हैं, तो शुरू करते हैं, अंदर चलते हैं, घंटी मंटी मारते हैं, बंदों को बाहर बुलाते हैं। चलिए मारो मम्मी घंटी। अच्छा घर है यहाँ पर। हाँ बढ़िया है। हेलो, क्या हाल है जी? बिल्कुल बढ़िया, तुम बता कैसे हो? सब बढ़िया। हाँ जी बिल। से हाय बू। चलो एक तो बाय गॉड जब भी मैं किसी होम टूर की वीडियो बनाता हूँ मुझे, क्योंकि सास भी कभी बहू वाली उसकी तुलसी की याद आ जाती है। तो ये है क्लोजेट जो मोस्टली घरों के एंट्रेंस पे होता है, जैसे आपने मेरे वाले घर में भी देखा था कि सर्दियों में कोई आए बंदा तो अपना कोट वगैरह यहाँ टांगे। इसको कर देते हैं बंद। जूते वूते रखने के लिए जूते अपने यहाँ पे उतार दिए। आ जाओ, ये है गेस्ट वॉशरूम। तो ये सारा नीचे आप जो देख रहे हैं सारा हार्डवुड है, हार्डवुड फ्लोरिंग है। ये डोर बेसमेंट में जाता है, बेसमेंट में पूल टेबल है, वीडियो देखते रहना, दिखाऊंगा बाद में। ये है हमारा लॉन्ड्री एरिया, ये लॉन्ड्री रखी हुई है, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, और वही जो हर घर में कंसेप्ट होता है गैराज का एक्सेस डोर। ये सारा गैराज है। तो दाल मखनी और शाही पनीर तो सभी बनाते हैं घरों में, आज हमारी दीदी ने बनाया है दाल बाटी। तो इसको खाते हैं, टेस्ट करते हैं, राजस्थानी फूड है और साथ में लहसुन की चटनी भी है जो बड़ी मेहनत से बनी है। तो दाल बाटी चूरमा प्लेट में सर्व हो गया। अब मेरा भी फर्स्ट टाइम ये, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कैसे खाते हैं। जैसे बताया गया कि ऐसे खाना है, पहले इसको तोड़ते हैं बाटी को। ये तोड़ ली हमने बाटी, ठीक है जी। इसके ऊपर डाली दाल, घी इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है देसी घी, और ये साथ में लहसुन की चटनी, और इसको हाथ से जो फील है वो हाथ से खाने की है। ये प्रॉपर इसको मिक्स किया और ये बाइट ली। अरे वाह, दाल बहुत स्वाद है और मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे अच्छा लग रहा है, टेस्टी है काफी। अगर मैं इस प्रॉपर्टी की बात करूं तो एक डिटैच हाउस है, एंड डिटैच हाउस का मतलब अ हाउस दैट इज नॉट जॉइंट विद एनी अदर हाउस, एंड जिसकी वैल्यू अराउंड 700K, $7,00,000, एंड $1,00,000 इज इक्वल टू 50 lakhs इंडियन रुपीज। मंथली इंस्टॉलमेंट अराउंड $2,100 इंक्लूड्स प्रॉपर्टी टैक्स एंड यूटिलिटीज, और यूटिलिटीज में आ जाते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस एंड वाटर बिल्स। तो इस घर में भी नीचे किचन है, लिविंग एरिया है, आपका फैमिली रूम है। तो मैं अगर किचन की बात करूं तो जो सामान सारा आप देख रहे हैं, जो जैसे कि फ्रिज है, माइक्रोवेव, वो इनका खुद का है। बिकॉज अगर ये रेंट पे होते, जैसे कि मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया था घर वाली, वो सारा लैंडलॉर्ड की तरफ से प्रोवाइडेड होता है। तो बाहर चलते हैं, बाहर प्रॉपर बैकयार्ड है, पीछे लॉन है, आइए।
मेरे घर के बिल्कुल पीछे ही एक ट्रेल भी बनी हुई है जहाँ पे लोग मैं देख रहा था वॉक कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। तो ये पीछे पूरा सारा लॉन है, ठीक है ना, गर्मियों में बारबेक्यू करे बंदा, अपनी प्रॉपर्टी है पूरी। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर चार रूम्स हैं और चारों को देखते हैं कैसे रूम्स हैं, आइए। तो ये फर्स्ट रूम है, देखते हैं, आइए। तो ये ऑफिस रूम रखा हुआ जीजू ने। तो दूसरा रूम, जैसे मैंने बताया चार रूम है तो दूसरा रूम है। अभी इसमें क्या सीन है, फर्नीचर वगैरह मिसिंग है बिकॉज सारा कुछ ऑर्डर किया हुआ है, बहुत जल्द यहाँ पे कमरे सारे भर जाएंगे पर अभी खाली ही है। तो हर रूम में अपनी क्लोजेट भी होती है ये। तो ये वॉशरूम है, तीनों वन टू थर्ड रूम अभी दिखाना है आपको, इन तीनों रूम्स का कॉमन वॉशरूम है और ऊपर दो वॉशरूम है। तो अभी थर्ड रूम है जो छोटी बिटी है इनकी, उनका रूम है माही का, आओ दिखाते हैं। वाओ, क्या बात है, भी काफी टॉयज पड़े हुए हैं, फुल ऑफ टॉयज। गद्दा है पर वो अकेली नहीं सोती, उनके साथ ही सोती है, पर गद्दा लगाया हुआ है कि अच्छा लगे। सो ऑलमोस्ट फिनिश हो गए रूम्स, क्योंकि ज्यादा रूम्स है यहाँ पे। फोर्थ रूम है, आइए। तो जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि फर्नीचर ऑर्डर किया हुआ है, ऐसे बेड्स और सोफ़ा, डाइनिंग टेबल सब कुछ ऑर्डर किया हुआ है, तो इसलिए घर थोड़ा खाली खाली लग रहा है अभी, जस्ट मूव हुए हैं बस। तो बड़ी सी विंडो भी है और दूसरे बाकी रूम्स में मैंने देखा कि विंडोज़ ठीक ठाक है, अच्छी खासी बड़ी हैं, जो कि अच्छी बात है कि एयर की वेंटिलेशन होती रहती है। ये जो आप नीचे की फ्लोरिंग देख रहे हैं ये लग तो हार्डवुड ही रही है पर ये है लेमिनेट्स। और ये मास्टर बेडरूम है, तो आप मास्टर बेडरूम के हिसाब से उसके साथ अटैच वॉशरूम है। बाथटब हो गया, ये शॉवर हो गया और ये हो गया आपका बेसिन। ये घर के अंदर ही दीदी ने मिंट का छोटा सा प्लांट लगाया हुआ है, इसी का नींबू पानी पिया हमने अभी। गणपति बप्पा मोरिया। तो ये बेसमेंट की एंट्रेंस है, बेसमेंट चलते हैं नीचे देखते हैं। ये फर्निश बेसमेंट नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं है, पूल टेबल है, पूल टेबल दिखाना है आपको, आइए। तो जैसे कि आपने मेरे घर में देखा था बेसमेंट थी, व्लॉग आपने 6 में देखा बेसमेंट कैसे बनी होती है, तो इस घर में अभी अनफर्निश्ड है नीचे की जगह, यहाँ पे ये रूम्स वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। तो शाम की चाय चल रही है इधर, समोसों की कमी है बिकॉज हम ब्रैम्पटन से बहुत दूर हैं। ये हमारे दीदी और जीजू हैं जिन्होंने घर लिया नया, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये छोटी बेबी उनकी माही है, माही से हेलो। हेलो, तो आप, अरे थैंक यू दीदी, अभी पीते हैं चाय। तो अब जीजू को लेके मैं बाहर जा रहा हूँ ताकि इनसे थोड़ी वन ऑन वन बात करें कि प्रॉपर्टी कैसी ली है, कितना खर्चा हो गया अब तक। चलो, सो शाम की चाय हो चुकी है और चाय पीने के बाद हम बाहर आ गए हैं। और जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ आपके जो डाउट्स होते हैं, जो आपके क्वेश्चंस मेरे को होते हैं कि जीजू एक खुद जो एक रियलिटर है तो इनसे बेहतर कौन बता सकता है वो क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी को लेके, क्योंकि ये खुद 2 साल डाउनटाउन टोरंटो रहने के बाद इन्होंने विटबी को चूज़ किया अपना घर बाय किया, जो बड़ी बात है कि यहाँ पे अपना घर ले लेना। तो हम इनसे ही पूछते हैं जीजू से, जो खुद एक रियलिटर है। टोरंटो की लाइफ काफ़ी फास्ट है, टोरंटो में आपको बहुत सारा क्राउड भी आसपास दिख जाता है, लेकिन टोरंटो क्योंकि एक एक्सपेंसिव प्लेस है रहने के लिए, तो वहाँ पे आपको सेम अमाउंट ऑफ मनी जो आप शेल आउट करते हो अपनी पॉकेट से, उसमें एक बहुत छोटा 1 बेडरूम या 2 बेडरूम का अपार्टमेंट ही अफोर्ड कर पाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था लाइफ का कि बच्चे के लिए हमें एक बड़ी स्पेस चाहिए, अपने लिए एक बड़ी स्पेस चाहिए, एक रूम के अपार्टमेंट से निकल के एक 3 बेडरूम 4 बेडरूम के घर में आना काफ़ी बड़ा चेंज है। एंड पर्सनली आई एम लाइकिंग इट अ लॉट, मुझे कभी फील नहीं होता कि आई एम नॉट विद पीपल अराउंड मी। घर के पीछे रिवाइन है, यहाँ पे दिन रात आपको लोग आते जाते दिखते हैं,
और जो कि टोरंटो की वो बिल्डिंग्स वाले फ्लैट्स में वो नहीं, आपको ये माहौल नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता हमें। तो ये बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए, फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है कि वो बाहर मूव होएं, अपना घर बनाएं, अपनी प्रॉपर्टी बनाएं और एक खुली स्पेस का इंजॉयमेंट करें। तो जो आजकल की हाउसिंग मार्केट है वो कैसी चल रही है, मतलब अगर कोई नया बायर है और उसका बजट भी कुछ ज़्यादा नहीं है तो उसको कहाँ बेटर घर मिल सकता है EGTA में? पूरा बजट पे डिपेंड करता है, मार्केट आजकल काफ़ी हॉट है। लोग सिर्फ विड भी नहीं, अगर आप पीटर्सब्रो तक भी चले जाएँ जो यहाँ से टोरंटो से 2 से 2.5 घंटे की दूरी पर है, वहाँ पर भी बिडिंग वॉर्स चल रहे हैं, आस्किंग से ज़्यादा प्राइस पे प्रॉपर्टी बिक रही है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि किसी भी फर्स्ट टाइम होम बायर का या रिपीटेटिव बायर का बजट कितना है, उस हिसाब से उनके लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढी जा सकती है। और जो फर्स्ट होम जो बायर है उसका अगर क्रेडिट स्कोर ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा गुड भी नहीं, क्योंकि जो नया नया आता है उसका क्रेडिट स्कोर क्या होगा, अगर घर लेना है तो कम से कम में ज़्यादा कितने परसेंटेज पर उसको इंटरेस्ट जो घर पर पड़ता है वो कितना पड़ सकता है? तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी आपको एक क्वालिफिकेशन लेवल तक ले जाती है तो इट इज़ एनीवेयर बिटवीन 1.7% टू 2.4% आज की डेट में, ठीक है, वेरिएबल मॉर्गेज से लेके फिक्स्ड मॉर्गेज फॉर 5 years तक आप उसे ले सकते हैं। तो अगर मैं बच्चों की अपब्रिंगिंग की बात करूँ, जिन फैमिली साथ बच्चे हैं तो उनकी अपब्रिंगिंग टोरंटो जैसी डाउनटाउन जैसी जगह में या विटबी जैसे शहर में, आपको क्या लगता है किस में बेटर होगी? दोनों जगहें अपने आप में बहुत अच्छी हैं। हाँ जी, टोरंटो में लाइफ थोड़ी सी फास्ट है, बच्चे थोड़ा जल्दी ग्रो करते हैं। हाँ जी, नई चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं। विडबी थोड़ा सा शहर ऐसा है जिसमें स्पोर्ट्स की तरफ और फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बच्चों के लिए, तो यहाँ पे वो ज़्यादा एक्टिव बनते हैं, ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं। क्योंकि डाउनटाउन में तो जो बिल्डिंग्स में अगर एक बर्फ़ जैसा विंटर्स के टाइम में तो नीचे जाने का बच्चों को खेलने का कुछ भी टाइम तो मिलता ही नहीं है। हाँ। और तो एक ही फ्लैट में ही बंद रहते हैं। हाँ। तो अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं आपसे कि जो अपने इंडियन पीपल इंडियन कम्युनिटी है उनका क्या सीन है यहाँ पे, मतलब कि है बंदे कि 10 से 15% हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं यहाँ पे, और एक कल्चर की बात करें तो एक मिक्स्ड कल्चर है, तो आप इंडियन के साथ साथ उनको दूसरे कल्चर्स की भी अच्छी चीज़ों के साथ इंट्रोड्यूस करा सकते हो। बढ़िया। एंड बाकी पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि अपने बच्चों को कैसी अपब्रिंगिंग देते हैं, क्या समझाते हैं। बढ़िया। तो डिनर करने के बाद हम आए हैं अक्स ब्रिज और क्वार्था डेयरी, जीजू लेके आए हैं आइसक्रीम खाने, ये सब लगे हुए हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन से फ्लेवर खा रहे हैं। अच्छा बेबी, आप कौन सा फ्लेवर खा रहे हो? बनाना स्प्लिट। ओह वाओ, ये जो कौन सा लिया? मैंगो। मैंगो। मम्मी? बर्थडे केक। सही, बर्थडे केक। सुना। और मेरा है आलमंड मोखा आलमंड फज। ओके, चीयर्स। यहाँ से कम ब्रैम्पटन के अभी 1 से 1.25 घंटे की ड्राइव है, अभी निकल रहे हैं, 9 बज रहे हैं। ये बेबी है, स्मॉल। तो आइसक्रीम का डिनर। और ये जो डेयरी है ये कैनेडियन बेस्ड है, इसका दूध और काफ़ी और प्रोडक्ट्स भी हैं। दूसरा ये जो साइज़ है ये बेबी साइज़ है, आई डोंट थिंक सो मैं इसको ख़त्म कर पाऊँगा पूरा। बाय बाय जीजू, बाय माही, बाय बाय। तो ये था गाइज होम टूर इन विडबी। तो अब ये आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, सो स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग एक्सप्लोरिंग अनलिमिटेड। थैंक यू सो मच।